हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टूटी फ्रूटी केक की रेसिपी। टूटी फ्रूटी केक बनाना बहुत आसान है, अगर आप कुछ टिप्स को फॉलो करके इसे बनाते हैं तो आपका टूटी फ्रूटी केक बनके बहुत ही अच्छा तैयार होगा, बहुत ही स्पॉन्जी बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज के इस एपिसोड में मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ एगलेस टूटी फ्रूटी केक की रेसिपी। टूटी फ्रूटी केक बनाने के लिए सबसे पहले हम ओवन को प्रीहीट करेंगे। 180 डिग्री सेल्सियस पे हम ओवन को 10 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे और उसके बाद हम अपना बैटर बनाना शुरू करेंगे। एगलेस टूटी फ्रूटी केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी ली है बाउल में, 1 कप दही लिया है, 1 कप चीनी ली है पिसी हुई और 1 कप दही लिया है, 1/2 कप लिया है हमने यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं, और इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया है दही, ऑयल एंड पाउडर शुगर, इन 3 चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये देखिए बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर हो गया है इनका। इस तरह का टेक्सचर हो जाएगा तब तक हम इसे बीट करेंगे इस तरह से। और अब इसमें मैंने लिया है यहाँ पे 1 कप मैदा, 1/2 कप और लिया है यानी कि मैंने लिया है 1.5 कप मैदा, 1/2 टीस्पून लिया है बेकिंग सोडा, 1.5 टीस्पून लिया है बेकिंग पाउडर यानी कि 1.5 चम्मच लिया है हमने बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच सोडा, बेकिंग सोडा, और 1.5 कप लिया है मैदा। तो इस मैदे को हम छान लेते हैं इन 3 दोनों चीज़ों के साथ। तो ये मैंने छान लिया है और अब इसे एक डायरेक्शन में इस तरह से मिक्स करेंगे बिल्कुल धीरे धीरे। पहले हम इसे मिक्स करेंगे, एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है इसे। तो इस तरह से आप स्पैटुला की हेल्प से मिक्स कर लें धीरे धीरे। तो ये देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर आने तक हम इसे मिक्स करेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं रहने चाहिए, एकदम लम्प्स फ्री बैटर हम तैयार करेंगे। और ये जो बैटर है इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक रखनी है जो हम केक का बैटर बनाते हैं उससे। तो ये देखिए अभी ये थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा है, तो थोड़ा सा दूध मैं मिक्स कर रही हूँ इसमें और इसे इस तरह से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। तो ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरह का बैटर हमें बनाना है, यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, बस इसी तरह का चाहिए। अब इसमें 1 चम्मच हम वनीला एसेंस का ऐड करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बैटर के अंदर। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। अब लास्ट में हम इसमें एक चीज़ और ऐड करने वाले हैं, 1 चुटकी नमक हम ऐड करेंगे। तो हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे ये, क्योंकि नमक डालने से फिर एकदम से इसमें रिएक्शन शुरू हो जाता है, तो वो मैं लास्ट में ऐड करने वाली हूँ। तो ये हमारा बैटर रेडी है और यहाँ पे मैं केक टिन को ग्रीस कर रही हूँ, ऑयल लगा रही हूँ इसमें। इस तरह से आप बटर लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं, कुछ भी ऑयल भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा रही हूँ जिससे हमारा केक इजीली बाहर आ जाए इससे। और अब इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी केक टिन भी रेडी हो गई है, इसे साइड में रख देते हैं। और अभी मेरे पास 1 कप टूटी फ्रूटी है, तो इसमें हम थोड़ा सा सूखा मैदा मिलाएंगे
एक दो चम्मच सूखा मैदा लेंगे और उसको इसके अंदर मिक्स करेंगे। जो हमारी टूटी फ्रूटी है उस पर कोट करना है हमें ये मैदे को इस तरह से, जिससे कि हमारी जो टूटी फ्रूटी है केक में चारों तरफ नज़र आए, बिल्कुल जाके तले में ना बैठ जाए। अगर आप ऐसे ही डाल देंगे तो वो बॉटम में सारी टूटी फूटी जमा हो जाएगी और आपके केक के अंदर वो नज़र नहीं आएगी। तो ये रेडी हो गई है और इसे हम बैटर में मिक्स कर लेंगे। और हर बार आपको एक ही डायरेक्शन में स्पैटुला को चलाना है, इस तरह से ऐसे ही मिक्स करना है। तो केक टिन हमारी रेडी है और बैटर भी हमारा रेडी हो चुका है। तो एक चुटकी नमक भी आप यहाँ पे ऐड कर लें। मैंने यहाँ पे एक चुटकी नमक ऐड किया है और वो क्लिप मैं यहाँ पे डालना भूल गई हूँ। और ये देखिए हमारा बैटर रेडी हो गया है, इसे हम केक टिन के अंदर डाल लेते हैं। थोड़ा सा स्पैटुला की हेल्प से हम ऊपर से बैटर को एक जैसा कर देंगे। ये थोड़ा सा बचा इसे भी डाल लेते हैं और इसको इस तरह से फैलाएंगे। और अब इसे थोड़ा सा टैप करेंगे। और अवन को मैंने ऑलरेडी 180 सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए रख दिया है। और ऊपर से थोड़ी सी हम टूटी फ्रूटी ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। और अब इसे हम 35 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे बेक कर लेंगे 30 मिनट्स के लिए। और बीच बीच में चेक करते रहिए आप इसे, जिससे ये आपका अच्छी तरह से बेक हो जाए। तो ये देखिए मैंने 35 मिनट्स के लिए इसको बेक किया है और ऊपर से भी बहुत अच्छा कलर आया है और ये बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुका है। इसमें एक नाइफ इंसर्ट करके देखेंगे, ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ये अंदर से भी कुक हो गया है। तो अब इसको मैं डिमोल्ड करूँगी एक नाइफ़ की हेल्प से। हम इसे साइड्स को हम निकाल लेंगे इस तरह से। तो इसके साइड्स को इस तरह से चाकू से निकालते हुए और इसे हम डिमोल्ड करेंगे, हम केक को निकाल लेंगे। पलट के हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए अभी ये बिल्कुल गर्म है। तो अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। एक जाली स्टैंड पे मैं इसे रख दूंगी, जिससे ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब हम इसे कट करेंगे। तो अभी केक हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है और अब मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही अच्छा बेक हुआ है अंदर से भी और बहुत ही स्पॉन्जी बना है। चेक कर लेते हैं। एक नाइफ की हेल्प से हम इसे कट कर लेंगे स्लाइस में। तो ये देखिए बहुत ही स्पॉन्जी लग रहा है ये अंदर से। एक और स्लाइस काट लेती हूँ मैं। थोड़े मोटे मोटे स्लाइस में काट रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए हमारा टूटी फ्रूटी केक बनके बिल्कुल रेडी है। बिना अंडे के एगलेस केक हमारा रेडी हो गया है। आप इसे चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं और आपके बच्चों को तो ये बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी टूटी फ्रूटी ऐड की हुई है हमने। और ये देखिए बहुत ही स्पॉन्जी बना है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। मेरी वीडियो को आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह पे भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, एक नए वीडियो के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।